ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। भगवान उवाच, हम बाबा के बच्चे और देव कुल की श्रेष्ठ आत्माएं, बहुत बहुत पुण्य आत्माएं। सत्य तो यही है कि पुण्य आत्माओं के बल से ही इस संसार में सुख शांति और मानवता स्थापित होती है, एग्जिस्ट करती है। हम सभी अपने पुण्य की पूंजी को बढ़ाते चलें। ये संकल्प ही कितना सुंदर है कि मैं एक पुण्य आत्मा हूँ, सदा पुण्य करने वाले, दूसरों को इस नजर से देखने वाले कि उनका कल्याण हो, वे सुखी रहें, वो दुखों से मुक्त रहें, वो विघ्नों से ऊपर रहें। कितनी गुड फीलिंग होती है जब ऐसी दृष्टि से हम दूसरों को देखते हैं। सचमुच पुण्य कर्म मनुष्य के सबसे अच्छे मित्र हैं, जो समय पर उसे अनेक विघ्नों को सहज ही पार करा देते हैं। पुण्य आत्मा के चेहरे की दीप शांति दूसरों को बहुत प्रिय लगती है। पुण्य आत्मा को प्राप्त होने वाला आंतरिक सुख बड़ा ही अनुपम है। उसका व्यवहार दूसरों से बहुत ही अच्छा रहता है। उसकी पर्सनालिटी में एक अलौकिक आकर्षण बना रहता है। हम सभी बाबा के बच्चे पुण्य कर्मों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दूसरों को भगवान से मिला देना, किसी को सन्मार्ग दिखा देना, ये बहुत बड़े पुण्य हैं। और किसी आत्मा को पवित्र बना देना, किसी को पवित्रता के मार्ग पर चलने में सहयोग करना, किसी की पवित्रता खंडित न हो इसमें बहुत मदद करना, ये बहुत बड़े पुण्य हैं। और भगवान के कार्यों में सहयोग करना, इससे बड़ा पुण्य तो भला और क्या हो सकता है। तो हम अपने पास पुण्य की पूंजी जमा करते चलें। और एक विशेष इम्पोर्टेंट बात ये भी है, हम इस पुण्य की पूंजी का आह्वान करके किसी कठिनाई को भी समाप्त कर सकते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति भयानक रूप से बीमार है, वो मरणासन्न है, हम उसे अपने कुछ पुण्य दान देकर उसकी मदद कर सकते हैं। हमें भी मान लो कहीं बहुत बाधाएं आ जाएं, हम भी अपने कुछ पुण्यों का आह्वान करें कि पिछले एक हफ्ते में या छह माह से एक साल में हमने जो पुण्य किए हैं वे सब आ जाओ और मुझे इस विकट पथ से मुक्त कराओ, जल्दी पार कराओ ये मार्ग। तो वो पुण्य कर्म यानी उनके सूक्ष्म वाइब्रेशंस हमको मदद करने लगेंगे। हम जानते हैं पुण्य आत्माएं तो भगवान को भी बहुत प्रिय हैं। जो पाप करते हैं, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, उन्हें तो बाबा दिखावे का प्यार भी नहीं करता। रियल प्यार की तो बात ही छोड़ो। जो सुखदाई हैं वही पुण्य आत्माएं हैं, और जो सुखदाई हैं वही प्रभु को बहुत प्रिय हैं। उनके द्वारा वे महान कार्य कराते हैं, और प्रभु प्रिय होने का अर्थ है कि समय पर उनको बहुत मदद करते हैं, उनसे कोई गलती होने जा रही है सावधान करते हैं, वो किसी गलत राह पे जाना चाह रहे हैं सावधान कर देते हैं, यहाँ नुकसान हो जाएगा रोक देते हैं उनको। तो सचमुच हम पुण्य आत्माएं भगवान के कार्य में भी बहुत सहयोगी हैं, उसके प्यार और सम्मान के भी पात्र हैं। एक राजा यदि पुण्य आत्मा होता है तो उसके राज में प्रकृति भी बहुत सुखदाई हो जाती है, और अगर एक राजा पाप आत्मा होता है तो चारों ओर उपद्रव होने लगते हैं। हम विश्व को संभालने वाले बनने जा रहे हैं। हमारा पुण्यों का बल
प्रकृति को भी संतुलन में रखता है। तो आइए आज सारा दिन हम इस स्वमान का अभ्यास करें, मैं पुण्य आत्मा हूँ, सबको सुख देने वाली आत्मा हूँ, सबके कष्ट हरने वाली आत्मा हूँ। और फिर ग्लोब के ऊपर खड़ा होकर, इसी स्वमान में स्थित होकर, बुद्धि परम धाम में बाबा पर स्थिर करके सभी को वाइब्रेशंस फैलाएंगे, वाइब्रेशंस देंगे, ताकि सभी के दुख समाप्त हों। ओम शांति।